मैथमेटिक्स और क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इंट्रोडक्शन। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वेयर L इज लेंथ, B इज ब्रेथ एंड H इज हाइट ऑफ रेक्टेंगल। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब होता है कि हमें क्यूबॉइड के हर सरफेस का एरिया चाहिए। मतलब कि हमें पता है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में हर फेस एक रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो हमें 6 रेक्टेंगल्स का एरिया चाहिए। तो जब हम उन 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 2 रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जिसका एरिया होगा L इंटू B, 2 रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जिसका एरिया होगा B इंटू H, और 2 रेक्टेंगल ऐसे होंगे जिसका एरिया होगा H इंटू L। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वेर जहाँ पे L जो है वो लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है रेक्टेंगल की। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 6A² वेर A इज साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसी तरह जब हम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्यूब में हर शेप जो है, हर फेस जो है वो एक स्क्वायर के शेप में होता है। तो जब हम एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो वो होता है साइड स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि जो साइड है अगर वो ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा A². जब हम 6 फेसेस का एरिया निकालना चाहते हैं, यानी 6 स्क्वायर्स का एरिया निकालना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला आएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6A². इसी तरह जब हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना चाहते हैं, मतलब वो एरिया जिसमें सिर्फ क्यूबॉइड की 4 वॉल्स इंक्लूडेड है, तो वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। मतलब 2 रेक्टेंगल्स हमें ऐसे मिलेंगे जिसका एरिया होगा L इंटू एच, और 2 रेक्टेंगल्स ऐसे मिलेंगे जिसका एरिया होगा B इंटू एच। तो हमारा लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहाँ पे L जो है वो लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है रेक्टेंगल की। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4A², मतलब हमें क्यूब के 4 वॉल्स का एरिया चाहिए, मतलब 4 फेसेस का एरिया चाहिए, और 4 फेसेस स्क्वायर के शेप में है, तो मतलब 4A² आएगा लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जहाँ पे A जो है वो साइड है स्क्वायर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड इज रेफर टू एज द टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है कि हमें सरफेस एरिया, तो हम उसको टोटल सरफेस एरिया भी मान सकते हैं, और अगर हमें कहीं क्वेश्चन में लेटर सरफेस एरिया गिवन है तो हम उसे कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ये लेटर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होते हैं, इसी तरह सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं। क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, इफ द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज 80 cm, 40 cm एंड 20 cm रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 cm वुड बी रिक्वायर। अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसकी लेंथ 80 cm है, ब्रेथ 40 cm है और हाइट 20 cm है, तो हमें कितने स्क्वायर शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी एक साइड है 40 cm। तो लेंथ है रेक्टेंगल की 80 cm, रेक्टेंगल की नहीं, लेंथ है हमारे बॉक्स की 80 cm, ब्रेथ 40 cm और हाइट 20 cm। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बॉक्स से क्यूबॉइड की शेप में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो L हमारी, L और B की वैल्यू है, LB जो होगा 80 × 40, BH हो जाएगा 40 × 20 और HL हो जाएगा 20 × 80। फिर हम इस पूरे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम बाद में जाके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आ जाएगा 11,200 cm². अब हम हर एक स्क्वायर पेपर शीट का एरिया निकालेंगे। हमें पता है कि उसकी लेंथ 40 cm है, तो जब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर शीट का, तो वो हो जाएगा साइड इनटू साइड, यानी 40 × 40, यानी 1600 cm². अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी शीट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे, उसको पेपर शीट के, एक पेपर शीट के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने शीट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है 11,200 cm² और पेपर शीट का एरिया है 1600 cm², तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 7 7। तो ये हो जाएगा 7 शीट्स की हमें रिक्वायरमेंट है उस पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए। क्वेश्चन 2, हमिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 meters लॉन्ग। ही गेट्स द आउटर सर्फेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 cm। फाइंड हाउ मच ही स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 per dozen। हामिद ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनवाया है लिड, जिसमें लिड भी है अपने घर के लिए।
उसकी एक जो टैंक है उसका आउटर एज जो है, उसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। और अब हामिद को उसमें टाइल्स लगवानी है, और टाइल्स की जो एक साइड है वो 25 सेंटीमीटर की है। तो हमें बताना है कि हामिद को कितने रुपीस स्पेंड करने पड़ेंगे टाइल्स ख़रीदने के लिए, जब टाइल्स की कॉस्ट जो है 360 रुपीज़ पर डज़न है, यानी कि 12 टाइल्स जो हैं वो 360 रुपीज़ के हैं। हम पहले मीटर और सेंटीमीटर, ये दो मेजरमेंट हमें एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में दिए, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेम यूनिट में। तो हमें जो है उसको 5 आउटर सरफेसेस पे टाइल्स लगवानी है, यानी कि उसको, क्योंकि टॉप तो ओपन रहेगा तो उसको क्योंकि क्यूबिकल वाटर टैंक है तो उसको उसकी एक साइड जो है वो 1.5 मीटर है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक चाहिए, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ 5 सरफेसेस चाहिए। तो 5 × A × A, यानी 5 × 150 × 150। और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल वो आ जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब 25 × 25। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टैंक को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच टाइल से। तो आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 150 × 150, ये सरफेस एरिया ऑफ टैंक है, 25 × 25 ये एरिया ऑफ टाइल है। तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 180 टाइल्स, मतलब हमें 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है टोटल उस टैंक को कवर करने के लिए, टैंक में टाइल्स के लिए। अब कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स जो है वो है 360। हम पहले 1 टाइल की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो हम 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 टाइल की कॉस्ट मिल जाएगी जो है ₹30। अब हमें टोटल 180 टाइल्स चाहिए, तो हम 180 को एक टाइल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 180 टाइल्स की कॉस्ट पता चल जाएगी जो आएगी ₹5,400। क्वेश्चन 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। एक हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी फ्लोर की जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर है, मतलब अगर रेक्टेंगुलर हॉल है, एक क्यूबॉइड के शेप में हॉल है, तो उसका जो फ्लोर होगा वो भी एक रेक्टेंगल के शेप में होगा, तो हमें रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो गिवन है 250 मीटर। इन्होंने कहा कि हमने जब फोर वॉल्स की पेंटिंग कराई ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो जो कॉस्ट आई फोर वॉल्स को पेंट कराने की वो है ₹15,000। तो हमें बताना है कि हॉल की हाइट कितनी है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर जो है वो हमें गिवन है 2 × L + B = 150, क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्लोर के पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, वो हमें गिवन है 150। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स, मतलब कि हमें जब फोर वॉल्स की पेंटिंग कराई हमने, मतलब कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा क्यूबॉइड का, उस पर हमने ₹10 के हिसाब से पेंटिंग कराई, तो हमारा ₹15,000 का खर्चा आया, मतलब कर्व सरफेस एरिया को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ₹15,000 आया। ये हमें गिवन है, ये हमने फॉर्मूला खुद से यूज़ किया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को 15,000 के पास शिफ्ट कर देंगे, तो 2 × L + B × H = 15,000/10 m². अब हमें पता है कि 2 × L + B 150 है, हमें गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के इस इक्वेशन में, तो 2 × L + B की जगह हम लिख देंगे 150, H एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, और 1500 हमने यहाँ से वैल्यू निकाली अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, तो ये हो जाएगा H जो है वो, H फाइंड आउट करने के लिए हम 150 को 1500 के साइड शिफ्ट कर देंगे, तो जब हम H निकालेंगे तो ये आएगा 1500/150, तो ये हो जाएगा H = 10 m, हमारे हॉल की हाइट आ जाएगी 10 m। थैंक यू, आई एम एकता।